जैसे कि मान लो तुम कहीं खो गए और कोई पूछ रहा है कि कहाँ रहते हो, तो क्या बताओगे? इस पार्क को वैसे तो स्मृति पार्क बोलते हैं। अच्छा, स्मृति पार्क बोलते हैं। स्मृति पार्क बोलते हैं। वाह जी वाह। यहाँ से लगभग लगभग पूरा नोएडा सेक्टर 72-73 भी वहाँ से दिख रहा है। 50-52। अच्छा, ये 50-52 सब टोटली 52-50 है। पूरा मेट्रो स्टेशन है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आई एम अ नेचर लवर, तो नोएडा की जो फर्स्ट ब्लॉग है वो मेरी स्टार्ट हो रही है नेचर से ही। मेरे रूम के पास में एक छोटा सा फैमिली पार्क है जहाँ पर अलग अलग तरीके के जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरे साथ मेरे एक और मेंबर, यानी कि इस यूट्यूब चैनल के एक और नए मेंबर जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको लुक दिखा देता हूँ इस पार्क का। देखिए, ये मस्त नज़ारा है यहाँ का, हरियाली भरा। कहते हैं ना, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, यानी कि ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा। तो इसको तो आप जानते ही होंगे किस चीज़ का ये पेड़ है। कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ का पेड़ है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको पत्तियाँ दिखा देता हूँ, देख लीजिए और बताइए किस चीज़ का ये पेड़ है। और इसके बाद मैं आपको मिलाता हूँ अपने नए फैमिली मेंबर से, बोले तो अपने यूट्यूब चैनल के नए मेंबर से, और आगे आने वाले बहुत से ब्लॉग में आप इनको देख पाएंगे। और आलोक भाई क्या कर रहे हो? बैठे हो, खड़े हो? खड़े हैं। अच्छा, खड़े हो। और बताओ क्या हाल है? बस ठीक है। इस पार्क के बारे में कुछ बताओगे? पार्क तो जी नोएडा में है। अच्छा, और इस पार्क को वैसे तो स्मृति पार्क बोलते हैं। अच्छा, स्मृति पार्क बोलते हैं। स्मृति पार्क बोलते हैं इसको। वाह जी वाह। मुझे पता था, मतलब कि पार्क तो पता था, इससे पहले भी मैं आया था, जैसा कि पता है कि मैं पहले रहता था यहाँ पे, लेकिन स्मृति पार्क इसका नाम है ये नहीं जानता था, ये फर्स्ट टाइम पता चला। तो आइए दोस्तों, देखते हैं स्मृति पार्क का नज़ारा। ये तो बबूल का पेड़ है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये कौन सा पेड़ है? ऐसा लगता है कि मतलब जितने तरीके के पेड़ पौधे होते हैं बिना फल वाले, वो सारे यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि फल वाले तो कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर बिना फल वाले पेड़ क्यों लगाए, फल वाले क्यों नहीं लगाए गए हैं? यहाँ फल वाले इसलिए नहीं लगाए गए हैं क्योंकि अक्सर यहाँ पर बच्चे वगैरह भी होते हैं और लोग खेलते हैं, इस वजह से यहाँ पर अगर फल वाला लगाएंगे तो जी यहाँ पर जो है थोड़ा दिक्कत होगा, जो सफाई करने आते हैं उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये बात से नॉर्मली पेड़ लगाते हैं। ये बात सही है, वेरी गुड। मतलब अगर कोई जैसे बागान होता है तो वहाँ पर फल वाले पेड़ लगाते हैं, लेकिन ये तो पार्क है, मतलब यहाँ पर लोग आते हैं जैसे मॉर्निंग वॉक करने, इवनिंग वॉक करने, बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर फल वाले पेड़ नहीं लगाए, नहीं तो गंदगी बहुत होती। और यहाँ पर हमें मिला है नीम का पेड़, और आलोक कह रहा है कि यहाँ पर नीम का पेड़ कैसे आ गया? तो भाई, पार्क में नीम का पेड़ भी तो हो सकता है, यहाँ पर नीम के फल भी लगे हुए हैं, देखो इनसे नीम का तेल बनता है, पता होगा शायद आपको। और नीम की जो दातून होती है भाई, मस्त होती है। गाँव में तो नीम का दातून बहुत किया जाता है, पार्क में तो, यहाँ शहर में तो शायद कोई करता होगा, करते होंगे कुछ लोग, तो करते ही होंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है सार्वजनिक सूचना कि पार्क में ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलना। लेकिन मैंने देखा अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, पालतू जानवर घुमाना मना है, लेकिन फिर भी कुत्ता लेके घुमाते, फूल पत्ती तोड़ना, साइकिल स्कूटर चलाना, तो ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हैं ये सब आप नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं लोग। और ये देखिए दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, ग्रह का नाम शुक्र, वृक्ष का नाम गूलर, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक चौकोर खाना बना हुआ है, और उसमें सिर्फ गूलर के पेड़ लगे हैं, फल भी लगे हुए हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको, हाँ गूलर के तने में, देखिए गूलर के तने में गूलर लगा हुआ है। वाह भाई वाह, क्या बात है। या लोग ने तोड़ भी लिया, खाओगे क्या? नहीं, अभी पका भी नहीं होगा, वैसे खाने में मज़ा भी नहीं आएगा।
और यहाँ पार्क में आखिरकार हमें एक फल का पेड़ मिल ही गया, और फल भी क्या ज़बरदस्त चीज़ है भाई, अनार है, अनार का पेड़। देखो हम लोग सोच रहे थे कि पार्क में फल का पेड़ नहीं होता, लेकिन यहाँ तो मिल गया भाई। और आलोक ने उसे देखा, चेक किया और उसके बाद छोड़ दिया। अभी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ भी नहीं सकते, बड़ा होगा तो मज़ा आएगा, अभी क्या फ़ायदा, चलिए आगे चलते हैं। और गाइज यहाँ पर हमें मिला है पीपल का पेड़, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ही मस्त हवा चल रही है। पीपल के पेड़ से पता है आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलती है। पहले नंबर पे पीपल का पेड़ है और दूसरे नंबर पे है बरगद का पेड़। तो आप भी अपने आसपास पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ लगाएं और शुद्ध ऑक्सीजन पाएं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और देखिए यहाँ पर बीचों बीच, पार्क के बीचों बीच में ये बड़ा सा पिलर लगा हुआ है, उसके चारों तरफ लाइट लगी हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, पूरे पार्क में उजाला हो जाता है शाम के टाइम। और ये देखो बबूल के पेड़ में फूल, बबूल के पेड़ में फूल, कौन सा बबूल है जिसमें इतने हरे भरे और रंग, मतलब रंग बिरंगे फूल हैं भाई, कौन सा बबूल है ये, पता है आलोक? नहीं मुझे तो नहीं पता। नहीं पता, ये भी बबूल है लेकिन इसमें फूल नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये किसी और प्रजाति का, किसी और वैरायटी का होगा ना बबूल। तो आलोक एक फल का पेड़ तो और मिल गया, जामुन का पेड़। जामुन, अरे यार हम लोगों की तो बात तो गलत हो रही है कि पार्क में फल के पेड़ नहीं है, यहाँ तो फल के पेड़ ही, उधर हमें वो क्या मिला, अनार मिला, और इधर जामुन भी मिल गया। और पूरा देख रहे हैं कितना बड़ा बाग है, मतलब पूरा जामुन ही जामुन है। मैं कुछ समय पहले आया था तो यहाँ पर जामुन भी नीचे गिरे हुए थे। अच्छा, कुछ समय पहले, लगभग कितने दिन पहले? लगभग करीबन 3-4 महीने बाद आया था मैं। 3-4 महीने बाद, 3-4 महीने पहले? हाँ हाँ, पहले 3-4 महीने। और यहाँ पर हमें कुछ मिला है, देखता हूँ क्या है। ये है शहीद कैप्टन अर्जुन सरदाना की स्मृति में, ओके, इसीलिए इसका नाम स्मृति पार्क है ना, मतलब शहीद कैप्टन अर्जुन सरदाना, और एक दूसरे हैं शहीद कैप्टन विजयंत थापर की स्मृति में। ये मतलब दोनों हो सकता है कि युद्ध में शहीद हुए होंगे, तो उनकी स्मृति में ये मतलब स्तंभ, इसे क्या बोलते हैं, स्मृति में स्मारक, हाँ स्मारक बोल सकते हैं ना। और ये क्या है, ये भी स्मारक जैसा ही कुछ, और ये भी कोई है शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा की स्मृति में। अच्छा, ये तीनों शहीद कैप्टन थे और मतलब शायद नोएडा के ही रहे होंगे, है ना, तो उनकी स्मृति में ये स्मृति पार्क बनाया गया है। ओके, तो जामुन के बाग में शहीद कैप्टन तीन लोग है भाई, आपको कोटि कोटि नमन तीनों लोगों को। किस चीज़ का पेड़ है, कोई सजावटी पेड़ है। और ये है हमारे, क्या नाम है इनका, बोले भोला भाई, भोला भाई से मिलते हैं। और भोला भाई का लड़का कहाँ हुआ रहा विश्वास ये हमारे भोला भाई हमें मिल चुके हैं। और भाई कहाँ थे, कहाँ रह रहे हो आजकल? मैं तो यहीं रह रहा हूँ, यहाँ पास में, यहीं पास में ही रह रहे हो। विश्वास भूल गए और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ, मतलब एक ऐसी जगह दिखाता हूँ पार्क में, जहाँ पर बैठकर आप पूरे पार्क का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए कितनी मस्त चीज़ बनी हुई है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन पार्क में बीचों बीच बना हुआ है। और बैठने के लिए इस पर देखिए 3-4 चेयर रखी हुई हैं, और ऊपर छत लगा हुआ है, और मतलब पूरा क्या कह सकते हैं इसको, मतलब आलीशान नज़ारा यहाँ से दिखेगा, बैठो लेटो या कुछ भी करो, एकदम मस्त बनाया गया है आराम करने वालों के लिए। और यहाँ से देखिए पूरा पार्क आपको दिखेगा, ये जो पार्क है लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में है लगभग, और यहाँ से आप पूरे पार्क का नज़ारा देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, हवा ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी वो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ना करें जिससे लोग आपत्ति करें। विश्वास खेल रहा है अपना मस्त। टेबल 20 तक याद है, बोल गए, पूरा याद है। अम्ब्रेला किसके लिए याद है? लोग कुछ बोले नहीं, सब याद है। स्कूल इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने। अच्छा, जितने सब्जेक्ट है सब हिंदी में है कि इंग्लिश में? दोनों में है। बहुत बढ़िया, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हो भाई, क्या बात है। जी हिंदी साज नहीं आती है, इंग्लिश सबको आ जाए तुरंत। हाँ ये बात है, हम हिंदी नहीं पढ़ना जानते हैं मगर इंग्लिश पहन चुके। नहीं डिपेंड करना है ना, शुरुआत कहाँ से की हो, अगर शुरुआत इंग्लिश से की हो तो इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगी। नहीं मैंने शुरुआत तो कहीं से नहीं की, अब जाके बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ भी दूंगा मगर हिंदी नहीं मुझे पढ़ना आ जाता।
हाँ तो ऑफिस में सारा काम तो इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश सारा मैं बता दूँ, जो तुम बोलो वो कर दूँगा मैं। अब तो मैं तो सारा काम सीख भी गया हूँ, ये लॉकडाउन ने मुझे सब सिखा दिया। अब तो मैं कंप्यूटर बैठता हूँ आराम, बस ऑनलाइन काम चलता है हमारा ऑफिस का, मज़े का। जैसे कि मान लो तुम कहीं खो गए और कोई पूछ रहा है कि कहाँ रहते हो, तो क्या बताओगे? सेक्टर 73 नोएडा में रहता हूँ। सेक्टर 73 नोएडा में, तो बहुत बड़ा है ना सेक्टर 73 नोएडा। हाँ। क्या तो फिर क्या बताओगे? जहाँ पे कूलर बिकता है। कूलर बिकता है? हाँ। अच्छा, वही पे जो बिल्डिंग है। अच्छा, उधर। अच्छा, कमरा नंबर 90 में। कमरा नंबर 90 में। हाँ। अच्छा, हाउस नंबर बोला जाता है उसे। हाँ, हाउस नंबर 90 है। हाँ। ठीक है, गली नंबर 5। और तुम्हारा नाम तो कोई जानेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे? नाम बता दूंगा। क्या नाम बताओगे? अभय शर्मा। अभय शर्मा, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारा नाम मान लो किसी को नहीं पता, तो फिर किसको बताओगे कि मुझे इन किन के यहाँ जाना है? अपने पापा का नाम नहीं बताओगे? हाँ। क्या बताओगे? भोले शर्मा। भोले शर्मा, बढ़िया। मतलब खो जाओगे तो अपने घर आ जाओगे। वेरी गुड, शाबाश। तो गाइस, मैं अभी आया हूँ भोला भाई के रूम पे और ये इनकी छत का नज़ारा है। यहाँ से लगभग लगभग पूरा नोएडा सेक्टर 72, 73, 74 भी वहाँ से दिख रहा है। 50, 52। अच्छा, ये 50-52 सब टोटली 52-50 है। हाँ, पूरा मेट्रो स्टेशन देखो, मेट्रो स्टेशन। हाँ, 52 का है। जूम करके दिखेगा वो मेट्रो खड़ी, वो देखो यहाँ से दिख रही है, वो इधर, वो देख। हाँ, ये रही मेट्रो। हाँ, ये रही मेट्रो। जूम करने से पड़ रहा है थोड़ा सा। और ये किस चीज़ का टावर है? जियो का होगा, पता नहीं किस चीज़ का। और इधर गांव एरिया है सरफाबाद, और ये है सिटी साइड। आम्रपाली भी ना उधर, क्या है? टोटली आम्रपाली और क्या नाम, सुपर टैक, सारी कुछ है। तो दोस्तों, शाम के 7:30 बज चुके हैं और मैं रूम पे लौट आया हूँ और यहाँ पर हल्का हल्का मतलब अंधेरा सा स्टार्ट होने लगा है, मतलब अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। नोएडा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको दिखानी है, तो धीरे धीरे राज का पर्दा खुलेगा। अभी तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।